म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स इन्हें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और एक बात, आज हम लास्ट मंथ यानी कि अगस्त 2019 के विनर को भी अनाउंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत स्वागत है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे देश में कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो सबके फेवरेट है, बहुत ज़्यादा वो चलते हैं। जनरली लोग इंडिया में सेविंग अकाउंट्स, एफडी, गोल्ड और थोड़ा सा ऊपर बात करें तो रियल एस्टेट, यही कुछ ऑप्शंस में रहते हैं। लेकिन और भी कई सारे अच्छे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के, उनमें से एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में सामूहिक निवेश होता है, ये एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट है जहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे करके एक बड़ा फंड जनरेट होता है। उस फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, हैंडल करता है। 1963 में हमारी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी गवर्नमेंट ने UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया था और ये म्यूचुअल फंड का सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये जो फंड मैनेजर है वो इस फील्ड में मास्टर होता है, इस सब्जेक्ट में मास्टर होता है, उसे पता होता है कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बड़े फंड का कौन सा हिस्सा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि ज़्यादा रिटर्न मिले, उस हिसाब से उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। टारगेट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो इन्वेस्टर्स में बांट दिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड का एक उद्देश्य इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट में से भी पैसे कमाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टर को मार्केट में पैसे लगाने होते हैं, वहाँ से पैसे कमाने होते हैं, लेकिन उसे स्टॉक मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है। ऐसे वक्त में इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टर की तरफ से मार्केट में पैसे लगाता है, उसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये सब आ जाता है। उसके बदले वो इन्वेस्टर से करीबन 1-2% लेता है। लेकिन इन्वेस्टर का फ़ायदा ये है कि उसे शेयर्स कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, ये सब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। ये सारा हिसाब किताब फंड मैनेजर संभालता है। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है लंप सम इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक साथ में ही इन्वेस्ट कर देना है। दूसरा ऑप्शन है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आपको पैसा एक साथ में इन्वेस्ट नहीं करना है, हर महीने आपको जो भी अमाउंट कंफर्टेबल लगे, 100, 200, 500, 1000, जो भी आपको ठीक लगे आप पे कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप ये भी सेट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप ही डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र हो जाए, कट हो जाए, तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। इसमें आपको डेट्स के भी ऑप्शन मिलेंगे, जिस डेट को आप ऑटो ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आप रिस्क जितना ज़्यादा लेते हो, जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो, रिटर्न्स भी उतने अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। 3 and 5 years आर द बेस्ट पीरियड्स, ज़्यादा रखते हो तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल रखोगे तो एक प्रॉपर अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स की, फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको इतना सारा टेंशन अपने सर पर लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्या खरीदना, क्या बेचना, कब खरीदना, कब बेचना, इतना सब कुछ आपको नहीं सोचना पड़ेगा। शेयर बाजार में बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है यार, खास करके जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़बरदस्त होती है। शेयर के रेट अगर ऊपर गए तो बेचो 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 बेचो, जब नीचे आते हैं तो खरीदो खरीदो खरीदो, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है, ऐसे करके बैठे रहते हैं लोग। लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क तो होता ही है, अगर ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हो गया आपका, लेकिन अगर नीचे गए और ज़्यादा नीचे गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं भाई। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जहाँ पर लोग करोड़पति बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग रोड़पति भी बन गए हैं, गलत डिसीजन की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से। तो इतना ज़्यादा झमेला अपने सर पर लेकर क्यों घूमने का, अपने फंड मैनेजर को पैसा दे दो, जो भी उसका परसेंटेज बनता है वो भी दे दो, आराम से घूम तो पाओगे। दूसरा फायदा ये है कि आपका एनर्जी और टाइम दोनों बच जाता है। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आपको पहले से पता होती है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। चौथा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ही अलग अलग स्कीम होती है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपके अमाउंट के हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के बाकी जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, उनके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है,
ऐसा नहीं है, रिस्क होता है, लेकिन झटके लगने के, खास करके बड़े झटके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। पहला है इक्विटी फंड, जिसे रिस्क फंड भी कहा जाता है, लेकिन इसके रिटर्न भी अच्छे होते हैं, बेनिफिट्स भी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर का है डेब्ट फंड, जिसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रीडिटरमाइन होते हैं। इस फंड के रिटर्न के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर इन्वेस्टर को 10,000 से ज़्यादा बेनिफिट होता है तो वो अपने हिसाब से टैक्स दे सकता है। तीसरा है बैलेंस्ड एंड हाइब्रिड फंड, इसमें कॉमन स्टॉक्स, प्रीफर्ड स्कीम्स, ब्रांड एंड शॉर्ट टर्म ब्रांड्स, ये सब होता है, जिसमें मिक्स एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट करता है। इसमें रिफंड एंड रिस्क दोनों सेम होता है। म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम की बात करें तो उसमें इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, लार्ज कैप स्कीम, मिड कैप स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो आप खामखा बोर हो जाओगे, सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड करने जाओ तो ये ध्यान रखना कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने जो भी आपका अमाउंट है उस हिसाब से, बजट के हिसाब से आप ये सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। रिस्क के हिसाब से बात करें तो तीन तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, लो रिस्क, हाई रिस्क एंड मीडियम रिस्क। लो रिस्क में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, भाई आप पैसा रखो हमारा लंबे समय तक, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रिस्क नहीं होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है और पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता है। मीडियम रिस्क में भी पीरियड लंबा होता है और वो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। हाई रिस्क में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। इन्वर्स म्यूचुअल फंड एक हाई रिस्क फंड है जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था म्यूचुअल फंड का बेसिक एक्सप्लेनेशन। जितनी चीज़ें ज़रूरी थी मैंने आपको बता दी है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड करने जाओ आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी चिल्स के फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फेसबुक के ऊपर भी जी चिल्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब बात आती है लास्ट महीने की, यानी कि अगस्त 2019 के विनर के अनाउंसमेंट की। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा पॉइंट है 40, मतलब चार बार वो भाई साहब या बहन जी टॉप थ्री में आए हैं। और सेकंड नंबर पर जो है उनके पॉइंट है 30। एक वीडियो में अगर वो सही आंसर दे देते, मतलब आंसर तो दिया ही होगा उन्होंने, लेकिन टॉप थ्री में नहीं आए होंगे तो अगर ज़्यादा होता एक वीडियो तो बात कुछ और थी। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जिनके हैं उनका नाम है अमित कुमार मजमूदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित कुमार मजमूदार, आपको हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। रामचंद्रा जी जिनके 30 पॉइंट है, आप थोड़ा सा और मेहनत करना, नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी कि ये मंथ के अंदर एक वीडियो की वजह से आपके पॉइंट 10 कम है तो आप विनर नहीं बन पाए, नहीं तो टाई हो जाती। तो अमित कुमार मजमूदार जी, आपको जी चिल्स के फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आपको मैसेज करना रहेगा कि मैं अगस्त 2019 का विनर हूँ। वहां से फिर हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपको आपकी गिफ्ट मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 20 पॉइंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 10 पॉइंट है। इस बार कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा, तो सब लोग कोशिश करना फटाफट से आंसर करने की। आज का सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि मेरी कौन सी फिल्म का टाइटल सॉन्ग उदित नारायण जी ने गाया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरी यानी कि जसमीन पटेल की कौन सी फिल्म का टाइटल सॉन्ग उदित नारायण जी ने गाया है। जल्दी से सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अब जो लोग आज ही हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये सवाल जवाब और पॉइंट्स का सिलसिला आखिर है क्या। तो ऐसा है कि हम हर वीडियो में एक सवाल करते हैं, आपको उसका सही जवाब देना है। सबसे पहले जो तीन लोग होते हैं सही जवाब देने वाले, उनको हम आने वाले वीडियोस में शाउट आउट तो देते ही हैं, लेकिन अब से पॉइंट्स भी देंगे। एक सही जवाब का आपको 10 पॉइंट मिलेगा। जैसे जैसे आप जवाब देते जाओगे, सही जवाब देते जाओगे और टॉप थ्री में आते जाओगे, वैसे वैसे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। उस महीने के आखिरी वीडियो तक जिसका स्कोर, जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे, वो होगा उस महीने का विनर। विनर का नाम और स्कोर दोनों ही हम यहाँ से अनाउंस करेंगे। अगर आप विनर हो जाते हो तो आपको करना ये रहेगा कि आपको जी चिल्स के फेसबुक पेज पर जाकर हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करना रहेगा,
आपको वहां पर जाकर एक मैसेज ड्रॉप करना होगा कि मैं इस महीने का विनर हूं। उसके बाद आपको जीजिल्स की तरफ से मिलेगी एक सरप्राइज गिफ्ट। ये महीने का एक सवाल मैं पूछ चुका हूं लास्ट वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर भी दिया है तो अभी बहुत सारे वीडियोज बाकी है, बहुत सारे सवाल बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सही जवाब देने की।